मेरा नाम एक सैकल राव राष्ट्रीय चलो। तो दोस्तों हम बात करने वाले असमानता श्रेणी जो पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ में पहला ही चैप्टर है, तो इसको कैसे लगाते हैं प्रश्न को, चलिए जानते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ बेल आइकन पर फिर क्लिक कीजिए जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यदि a1 a2 a3 ..., है तो ये श्रेणी है। तो हमने पहले वाले भाग में जो बात किया था उसमें an के अंदर, लेकिन अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि कोई पंक्ति अगर जैसे अंत में दिया हुआ अंत वाला पद ज्ञात करना, तो जैसे a1 a2 ..., a3 ..., हमको यल मतलब अंतिम पद ज्ञात करना, जैसे तो ये जो है हो जाएगा, तो इसी हिसाब से रहेगा जैसे t2, तो ये हो जाएगा श्रेणी का समांतर श्रेणी का अंत से ज्ञानवा पद ज्ञानवा पद जो होता है हो जाएगा जल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। तो जल वा पद जो ये सोते हैं इससे हमको ये जैसे दिया रहेगा कि श्रेणी का अंत अपन अंत से अनवा पद या व्यस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं कैसे। क्वेश्चन वन हो गया, जैसे श्रेणी 2.6.10.86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अंत से 15वां पद ज्ञात करना, तो इसमें जो है ए है तो प्रथम पद ए सर्वांतर डी मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हो जाएगा 6-2 = 4। और जो यन यल है अंत से यल हो गया 86, यल मतलब अंतिम पद, तो उसको अप्लाई करेंगे यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो यल हो जाएगा 86-, यानी यहाँ पे हमें 15 एन का मान 15 दिया था, 15-1 और डी टी कितना है 4, तो हो जाएगा 86-15-1 तो 14×4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 86-14×56, तो हो जाएगा ये 86 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा हो जाएगा 6 में से 6 = 0, 8 में से 5 = 3। तो हमें जो प्राप्त हुआ आखिरी पद मतलब अंत से 15वां पद हो गया 30, तो हमें 15वां पद 30 प्राप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।